वैदिक साधना अध्यात्म केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के आधुनिक युग में पृथ्वी पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अर्थ यानी कि धन प्राप्ति के माध्यम जानने की इच्छा रखता है। वह यह भी इच्छा रखता है कि धन प्राप्ति के बाद समाज में विभिन्न प्रकार के सुख उपभोग कैसे भोग सकते हैं, क्योंकि मनुष्य आदि अनादिकाल से ही जिज्ञासु रहा है। कुंभ राशि वालों, क्या आप भी जानना चाहते हैं कि दिवाली के तुरंत बाद क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या दिवाली के बाद वाकई में आप जिस महत्वपूर्ण पद, जिस मूल्यवान भूमि, जिस वस्तुओं की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है वो आपको प्राप्त होगा? क्या धन से संबंधित आपके सपने साकार होंगे? क्या आपका प्रिय आपके पास होगा? क्या फिर से भाग्य के सहयोग से नौकरी, व्यापार और वैवाहिक जीवन में सुख शांति के साथ समृद्धि और स्थायित्व को प्राप्त कर सकेंगे? आइए जानते हैं नवंबर मंथ कुंभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि फल 2024 के अनुसार नवंबर का मंथ आपके लिए जीवन में चल रही उथल पुथल को समाप्त करने का और ढेर सारे सपनों को साकार करने का वक्त लेकर आ रहा है, क्योंकि आप जिस सफलताओं के लिए, जिस बड़ी डील के लिए प्रयास कर रहे थे वह महत्वपूर्ण व्यक्ति की भूमिका की वजह से सिद्ध हो गए। नवंबर मंथ में आपको धन संपत्ति, घर परिवार, सब जगह खुशियां मिलेगी। आपको कहीं से अतिरिक्त आय भी प्राप्त होगी। व्यापार व्यवसाय में विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। गुरु ग्रह द्वितीय होकर आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, जो पिता की संपत्ति से, पिता के व्यवसाय से आकस्मिक धन प्राप्ति के संकेत दे रहा है। अगर आप वर्षों से किसी पुरानी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते थे, आपका हिस्सा चाहते थे, तो इस महीने आपके प्रयास सफल होंगे। इस दिशा में किया गया प्रयास सफल रहेगा। गुरु की पूर्ण दृष्टि आपके अष्टम भाव में हो रही है, जिसके चलते इस महीने के मध्य में आपको यात्रा का लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं कि वह यात्रा केवल व्यापारिक होगी, किंतु वह यात्रा पारिवारिक भी हो सकती है, व्यापारिक भी हो सकती है। यहाँ तक आप अन्य राज्य या फिर अन्य शहर में, विदेश में भी पहुँच जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपनी मातृभूमि, आप बाहर है, विदेश में है, तो मातृभूमि गाँव शहर में जाने का अवसर मिल जाए। आपका राशि स्वामी शनिदेव आपके ही राशि में बैठे हैं, जो अभी वक्री चल रहे हैं। जैसे ही वह 15 नवंबर को मार्गी हो गए तो वह तीन तरीके से आपको लाभ देंगे। पहला लाभ आपकी आर्थिक स्थिति को ही बदल देंगे। अब जिस व्यापार, जिस कार्य क्षेत्र पर संघर्ष कर रहे थे वह संघर्ष को खत्म करेंगे। आपके कार्य से पैसे की आवक बराबर चलती रहेगी। अगर आप शेयर बाजार, क्रिप्टो करेंसी या फिर कमोडिटी बाजार से संबंध रखते हैं तो आपको अकल्पनीय लाभ होगा, क्योंकि जब जब भी शनि मार्गी हुए हैं तब तक उन्होंने जीरो को भी हीरो बनाया है। अगर आप थोड़ा सा संभल कर चलते हैं और दिल की आवाज़ सुनकर आगे बढ़ते हैं तो यकीनन आप ढेर सारा पैसा तो कमाएंगे, लेकिन अपनों का साथ पाएंगे, लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, ये जीवन बिना प्रेम कुछ नहीं है। आप में से जो जातक प्रेम के महत्व को समझते ही नहीं थे, वो समझ जाएंगे कि बिना प्रेम जीवन का क्या होता है। जैसे सूखे तालाब में हम स्नान कैसे कर सकते हैं, जैसे चांद सितारों के बिना आकाश की कल्पना हम कैसे कर सकते हैं, वैसे ही बिना प्रेम, पारिवारिक सुख के बिना हम अधूरे ही हैं। दूसरा लाभ आपको इस महीने में प्यार की बहार के रूप में प्राप्त होगा। अब जिस साथी की, जिस सहयोगी की तलाश में थे, जीवन साथी की शोध में थे, वह एकाएक आपके सामने होगा, आपको साथी प्राप्त होगा। अगर आप अविवाहित हैं, अगर आप विवाहित हैं और पिछले कुछ समय से दाम्पत्य जीवन में चल रही तनी से परेशान थे, तो आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि शुक्र 7 नवंबर के बाद आप दोनों के मतभेद दूर करने में मदद करेगा। अगर आपकी गलती भी होगी तो भी आपको माफ किया जाएगा। 17 तारीख के बाद प्रियतम की ओर से मिलने वाला उपहार आपको मानसिक तौर पर भी खुशहाल कर देगा। मित्रों, जब भी लाभ भाव के स्वामी गुरुग्रह चतुर्थ भाव में होते हैं और शुक्र के घर में होते हैं, तो वो बड़े बिजनेसमैन और बड़े उच्च स्तर के लोगों को, बड़े अधिकारियों को बड़ा लाभ देते हैं, क्योंकि शुक्र द्वितीयों का गुरु माना जाता है और ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि उनकी ही वजह से प्रेम मिलता है,
पैसे मिलते हैं, धन मिलता है, आभूषण का लाभ मिलता है। तो गुरु ग्रह सत्ता का कारक है, जो देवताओं का गुरु है, वह जब भी एक दूसरे के आसपास होते हैं, दृष्टि में होते हैं, वह सोच से भी ज़्यादा तेज गति से, तेज रफ्तार से फटाफट कार्य करवाते हैं, चीज़ों को बदलते हैं, लाभान्वित करते हैं। मित्रों, यही मजबूत स्थिति सत्ता का लाभ देगी। अगर आपकी कुंडली में कोई पाप ग्रहों की युति नहीं होगी तो पैतृक संपत्ति से संबंधित जो विवाद है वह सुलझेगा। इच्छित स्थानांतरण की योग निर्मित होगी। अब जिस सपनों का घर खरीदने की इच्छा रखते थे वह खरीद सकेंगे। अब मेहनत मजदूरी करते हैं तो रोजगार में बढ़ोतरी होगी। साझेदार में व्यापार कर रहे हैं उन लोगों को आर्थिक लाभ मिलेगा। इसमें भी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से संबंधित कार्य करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक चीज से संबंधित सामान बनाते हैं, बेचते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो नवंबर मंथ आपको ढेर सारा धन और ढेर सारा अवसर देने वाला है। नवंबर मंथ में और दो भी चीज़ें सहलाई से होगी, यानी कि शीघ्रता से होगी। पहली, जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन अवसरों की तलाश में है, उन्हें अवसर मिलेगा। दूसरी, जो विदेश में रहकर अपनी स्थिति को और आगे बढ़ाना चाहते हैं वो भाग्य के दम पर आसानी से कर सकेंगे। कुंभ राशि वालों, इस महीने में सबसे बड़ी खुशखबरी आपको कौन देने वाला है, तो वह शनि देंगे। क्योंकि जब शनि मार्गी हो गए, शुक्र का महीने के प्रारंभ से ही परिवर्तन होगा और सूर्य 16 के बाद जब राशि परिवर्तन करके मंगल की राशि में पहुंचेंगे तो वह आपके किसी बड़े सपने को सच कर सकते हैं। इसमें भी अगर आप समुद्र नदी के कार्यों में शामिल हैं या फिर आप शिक्षा से संबंध रखते हैं, चिकित्सक है, अधिकारी है, तो आपको लाभ मिलेगा। इस वक्त में शुक्र की वजह से आप अभिनय की दुनिया में छा सकते हैं, यानी कि सिनेमा जगत में अगर आप छोटे से छोटे स्तर का काम करते हैं तो वहाँ पर भी आपका प्रदर्शन तारीफ के काबिल होगा। और अगर भाग्य ने साथ दिया तो आप सितारों की तरह चमक भी सकते हैं। और हाँ, यही वह अवसर होगा जो आपकी पूरी जिंदगी को, पूरे जीवन को बदल देगा, और यह नवंबर मंथ में ही होने वाला है। बुद्धि का कारक बोध आपको प्रतियोगी परीक्षा में तो मदद करेगा, लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, कला संगीत चित्र से संबंध रखते हैं या फिर आप उच्च शिक्षा ग्रहण करके अच्छी जॉब की तलाश में है, तो नवंबर में आपकी इच्छाएं स्वतः ही पूरी हो जाएगी। कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जहां पर शीघ्रता से काम होगा। 13 नवंबर के बाद दो चीज़ एकदम से होगी। पहली, जो कॉलेज या फिर 10वीं 12वीं में है उन्हें मानसिक रूप से शांति मिलेगी। तो दूसरा, जो अभी भी परीक्षा उत्तीर्ण करके बाहर आए हैं उन्हें कार्य करने का, नौकरी करने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से नवंबर बिल्कुल आपके लिए ही शुभ और शुभ ही रहने वाला है। मित्रों, कई बार मैंने समझाया है कि हर व्यक्ति की कुंडली में शुभ योग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग हैं जो व्यक्तियों को सफलता की बुलंदियों पर पहुँचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली को जाने समझे, विश्लेषण कर आगे बढ़े। कुंभ राशि फल नवंबर 2024 में इतना ही। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।